अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के एक दाखिली रास्ते जरवारी शाह पर। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन का डोल डाला जा चुका है। मीरपुर खास की शहरी नशिस्त NA 211 गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से अली नवाज शाह साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और 75,000 से जायद वोट लेकर जीत गए। उनके मध्य मुकाबले रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से सैयद हसन अली शाह, जो कि 67,000 से ज्यादा वोट लेकर हार गए थे। ये हलका इस वक्त एक कौमी असेंबली की नशिस्त और उसके नीचे दो सूबाई असेंबली की नशिस्त है। सूबाई असेंबली की नशिस्त पर यहाँ से विनर रहे थे 2018 में हरी राम किशोरी लाल, जो कि 33,000 के करीब वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान MQM के थे मुजीबुल हक साहब, 23,000 के करीब वोट लेकर यहाँ से हार गए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से इन इलेक्शंस को देख रहे हैं, किन सियासी पार्टीज या आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं, तो पूरे मीरपुर खास का एक गैर जानबदाराना सर्वे करने जा रहा हूँ। पहली कोशिश है, कुछ खामियां गलतियां हो जाएं तो माफी का खासगार हूँ। तो आगाज़ यहाँ से करेंगे जरवारी शाख से, और अगले दिन इसे मैं शहर के किसी और इलाके और उससे अगले दिन शहर के किसी और इलाके में लेकर जाऊँगा। तो क्या सूरत हाल है पूरे मीरपुर खास में आपके सामने रखे। वैसे तो शहर अब काफ़ी फैल चुका है, लेकिन जरवारी शाख का बाकायदा आगाज़ सेंट्रल जेल मीरपुर खास से होता है, जो कि अभी यहाँ कुछ अरसा कबल बनी है। तो यहाँ से मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ और कोशिश मेरी होगी कि मैं मुकम्मल इस इलाके को कवर कर पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल है, खैरियत से? सर इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? जो जिनकी अच्छी कारगर्दगी कौन है किसकी अच्छी कारगर्दगी? इस टाइम जो हमारा जो चला है ना, वो अली नवाज शाह है। अली नवाज शाह को वोट दे रहे हैं 211 में, MNA की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार। ठीक है भाई, आप किसको दे रहे हैं? पता नहीं है अभी, कोई पता नहीं है। चलें, कोई ऐसा बड़े बताएंगे तो फिर वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? वोट किसको दे रहे हैं? वोट अली नवाज शाह। अली नवाज शाह NA 211 आज़ाद उम्मीदवार। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है, खैरियत से? वोट किसको दे रहे हैं? जिसको भी देंगे, अभी तो कोई नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? तबीयत सर ठीक है। सर इलेक्शन आ रहे हैं, वोट का क्या इरादा है, देना है नहीं देना है, किसको देना है? वोट देंगे इंशाल्लाह। किसको? इमरान खान। इमरान खान, गुड। तहरीक इंसाफ PTI, आप? कोई पता नहीं है, कोई पता हो सकता है कि तीर पे मारे। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत भाई, वोट बना हुआ है अपना? वोट बना हुआ है इसी हल्के का? किसको देना है? देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है? कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है? बस ठीक है। ठीक है, वोट किसको देना है? वोट पीपी को। आप किसको दे रहे हैं? हम तो मुद्दत से पीपी गए भाई। मुद्दत से पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीर का निशान वालिद साहब के वक्त से। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है, खैरियत से? तभी ठीक है भाई, आप लोगों के कारोबार वगैरह कैसे चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं। वोट किसको देना है? वोट किसको दे, आप बताओ? मैं बताऊं? जो अच्छा ईमानदार आ, कोई भी ईमानदार नहीं, कोई नहीं है। एक से एक है। अच्छा, एक से एक है। अमरान ने क्या किया आगे? उसने भी कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने क्या किया? जरदारी ने क्या किया? मतलब किसी को वोट नहीं? एक से एक है। जो आता वो खाने के लिए आता। सही है, एक से एक है। ये बाबा जी की राय है, बाबा जी की राय है कि कोई भी अच्छा नहीं है, वोट कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक, सब एक से एक है, जो आता अपने मफाद के लिए आता। चलें चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये एक बिल्कुल आज़ादाना गैर जानबदाराना सर्वे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इस इलाके को इसलिए चुना गया कि ये एक तो मेरे घर से नज़दीक है, दाखिली रास्ता है, दरवाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? सब खैरियत से? मिजाज वगैरह बखैर हैं आपके? सर इलेक्शन आ रहे हैं, वोट देना है, आपकी तो राय हो गई। सर वोट किसको देना है? वोट किसी को नहीं, किसी को नहीं देना। आपने? किसी को भी नहीं देना। आप, आपका तो वोट ही नहीं है बेटा, आपका भी वोट नहीं। आप सर? 804। चले गुड, जबरदस्त, तहरीक इंसाफ, तो वो राय का अंदाजा हो रहा है। और मेरी कोशिश है कि आज इस पूरे इलाके को कवर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल है, कारोबार वगैरह ठीक है, तबीयत है, मिजाज बखैर है? सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? बैटरी वैटरियाँ ठीक बिक रही है? सर वोट वोट इलेक्शन 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 किसको वोट दे रहे हैं? अभी तो सोचा नहीं है। सोचा नहीं है आपने अंकल? सोचा है कुछ नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं देना। लोग बजर बदजन भी हैं सर, आपने देना ही नहीं? आपने नहीं देना? सोच लो, पूछते
कोई अभी है तो कोई अभी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वोट के कितने दिनों? वोट पीपी आ रहे तीर ठप्पो। आपका तो वोट ही नहीं, आपका मेरा पीपी को। ठीक है गुड। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, कोशिश है कि सबसे कुछ ना कुछ पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम सही, धंधा वंदा कैसे चल रहा है? हाँ वोट किसको दे रहे हो? फिलहाल किसी को नहीं देना। वालेकुम अस्सलाम आ रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है? खैरियत से काम हम ठीक है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट बस अभी जिसका नसीब होगा उसको मिलेगा, यानी कि रातों रात ख्वाब आएगा आपको। अच्छा चले ठीक है, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे? काम हम ठीक चल रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वोट किसको दे रहे हैं? ये अली नवाज शाह को। हंस के जी, ठीक है आजाद उम्मीदवार साई आप? जी जी साई अली नवाज, साई अली नवाज शाह। आप किसी को भी नहीं देना? किसी को भी नहीं, आपका तो हो गया, आपकी राय नहीं है कोई। ठीक है वोट बन गया भाई, वोट बन गया है। इलेक्शन में शनाख्त कार्ड बना हुआ है? किसको देना है? कोई इरादा नहीं आपका तो बने नहीं होगा, मुझे तो आ गई। बन गया है, किसको दे रहा है? किसी को भी नहीं, किसी पे एतबार नहीं, एतबार ही नहीं है, एतबार टूट गया बेवफाई की सबने। चले अल्लाह खैर करेगा, सब अल्लाह खैर। सर क्या हाल है आपके? खैरियत से। सर वोट किसको दे रहे हैं? वोट वोट नहीं दे रहे आप, कोई इरादा नहीं है। भाई लोगो आप कैसे हैं? खैरियत से। इलेक्शन वोट किसको दे रहे हो? अभी तक कोई इरादा, कोई इरादा नहीं किया भाई आपने? कोई इरादा किया? नहीं, एनआईसी नहीं बना। चले अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है, खैरियत है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इन भाई, इन भाई को। अरे चाचा इलेक्शन में खड़े हो रहे क्या? क्या निशान है? जो तुम समझो, जो भी समझे। चले ठीक है अदा। अस्सलाम वालेकुम सही, कड़ा हाल खुश है? वोट वोट अचन पिया केंजो आ वोट यार केंजो भी कने। हां अली नवाज शाह, पीर आफ्ताब शाह, हरी राम, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी पीर आफ्ताब शाह जी। ठीक है गुड। तो क्या वाबस्तगियां हैं लोगों की। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? वोट सही एनआईसी नहीं बना, एनआईसी नहीं बना हुआ, ये तो गैर कानूनी है। पता आपकी उम्र इतनी हो गई, आपका बन गया होगा, मेरा आपका भी नहीं बना हुआ। ठीक है तो जो लोग राय नहीं देना चाहते उनके पास एक जवाब होता है कि हमारा एनआईसी नहीं बना हुआ। ठीक है अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका है? वोट पीटीआई का। पीटीआई का बल्ला, बल्ला तो नहीं है लेकिन पीटीआई का वोट। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? खैरियत से। वोट किसका है? वोट जनाब हमने देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, वोट नहीं देना भाई ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे क्या मिजाज है? तबीयत ठीक है, खैरियत से। वोट किसका है? सही वोट हक्के बाजू के वोट देंगे, कोई वोट देंगे नहीं किसी को, देंगे किसी को देने नहीं, काम ही नहीं करता क्या? कोई काम नहीं करता, कोई एक तो होगा कोई आजाद उम्मीदवार किसी को बन जाएगा। अच्छा बहुत मायूस है आप। नहीं था वोट आए पांचो कितने? तो बहुत से लोग मायूस हैं, ये भी मैं जानता हूं कि ये हल्का, ये इलाका जो है खास तौर पर कोई सियासी इस्तेमाल हो नहीं रहा, ये काम रैंडम लोग हैं। क्या रहे भाई खैरियत से? वोट दे रहे हैं इलेक्शन में? किसको दें? किसको दें ये भी मैं बताऊंगा। यार आपको भी थोड़ा शऊर होना चाहिए। आया था आप वोट दे दो इलेक्शन में, वोट आप दे रहे हो? देंगे किसको दे रहे हो? लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, ये उनको दे रहे हैं भाई। सबकी अपनी अपनी एक राय है। अस्सलाम वालेकुम संकेत आलन खुश है? वोट कौन जो पांजो? वोट ऐसा जो हां इमरान खान तहरीक इंसाफ का वोट है। शनाख्ती कार्ड है? हां है। किसको वोट दे रहे हो? नहीं शनाख्ती कार्ड नहीं है, वोट के नाम पे शनाख्ती कार्ड नहीं है। नहीं मैंने उठा लिया मूरियां, अरे सिम नहीं बेच रहे। वोट वोट इलेक्शन इलेक्शन में वोट डालना है ना? हां किसको डालना है? और जिसका नंबर होएगा, किसका नंबर है मुझे तो पता ही नहीं है, नंबर किसका है मेरे को खुद पता नहीं है कि नंबर किसके किसके है। अच्छा चलें तो दोस्त इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देना है? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को शुरू से पीपल्स पार्टी को देते हो? पीटीआई को पहले देते था, फैसला वाले टूटी गया था, फर्क अभी के बाद फर्क अभी वो तो पीटीआई छोड़ गया वो तो जी 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 उन्होंने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। अच्छा 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 चले ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया। साईं आप किसको दे रहे हो वोट? असलम
असा जो है ना वोट बेनजीर भुट्टो के दिना री पीपीओ होना पीपी जो तो बड़ो नंडो भाई जी हां भाई इंशाल्लाह अब जो बन तीर पे ठीक है सही अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर अपना वोट अपना वोट तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को देंगे अच्छे लोगों को देंगे पी प्लस पार्टी ने शहर को तबाह किया है बर्बाद किया आसिम भाई खड़े हैं यहां से आसिम ठीक है बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है खैरियत से तभी ठीक है वोट देने का इरादा है तो वोट जरूर देना चाहिए हम लोग बाज दफा गुस्से में होते हैं और हम कहते हैं कि हमने वोट नहीं देना वोट जरूर दें जिसने गलत किया है उसे रिजेक्ट करें किसी अच्छे बंदे को चुनें भाई वोट देना नहीं देना अरे दो वोट देना जरूरी है शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना ये भी गलती है ना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए भाई आपका बना हुआ है आपका भी शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपके खैरियत से हाँ आपको वोट देंगे इंशाल्लाह सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह को गुड ये देखे ना राय दे दी उन्होंने अब बताएं आप किसको दे रहे हैं साई अली नवाज हाँ भाई मेरे मेहनत कश भाई क्या हाल है खैरियत से हो वोट किसको दे रहे हो इमरान खान को गुड जबरदस्त तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोगों से पूछ पाए अस्सलाम वालेकुम बाबा जी क्या हाल है खैरियत से तबीयत ठीक है वोट किसको दे रहे हो हाँ? वोट देना ही नहीं है किसको दे रहे हो वोट किसको दे रहे हो पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही अस्सलाम वालेकुम चाय आपकी बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है वोट किसको देना है पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं ठीक है आपका वोट है वोट किसको दे रहे हो बेनजीर को आपका तो वोट ही नहीं आप नहीं हम वोट नहीं देंगे महंगाई इतनी किसी को भी नहीं देना किसी को वोट नहीं देना हमारा वोट देना है वोट खर्च कर देंगे वोट जाया करोगे वोट जाया कर देंगे आप वोट देने जरूर जाना है देख रहे हो ठीक है वोट देने जरूर जाना है सर हाशमी साहब कैसे हैं खैरियत से तबीयत ठीक है सर किसको वोट देंगे मौलाना फजल रहमान साहब माशाल्लाह वोट कहो वोट बिल्कुल नहीं देना चले भाई ठीक है दुकान देख लें आप ये मशहूर दुकान है चाय बहुत अच्छी है इनकी माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम दोस्त क्या हाल है खैरियत से वोट किसका है वोट तो फिलहाल देखेंगे सोचा नहीं है सोचेंगे देखेंगे फिर दोस्त किसको दे रहे हो वोट किसको दे रहे हो वोट किसको देंगे वोट देखते हैं किसी को देंगे सोचेंगे उसके बारे में यार अब टाइम आ गया टाइम कहाँ है अभी टाइम बहुत दूर है अच्छा चले सोचें अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है खैरियत से आपकी वोट किसको दे रहे हैं देखेंगे सोचेंगे वक्त आया तो वक्त मिला तो सोचेंगे चले अल्लाह खैर करे वोट जरूर दीजिएगा इलेक्शन सर अपना इधर वोट है ही नहीं कहाँ है अपना वोट जुटो में भाई सिंध में कौन है किसको देंगे पीपीए अच्छा पीपीए सिंध में आप किसको दे रहे हैं सर पीपी को आप किसको दे रहे हो खत्म नबूवत जिंदाबाद तहरीक लबैक आप किसको दे रहे हैं पीपी को ठीक है अच्छा मैं किसी से ये नहीं आर्गुमेंट नहीं कर रहा अस्सलाम वालेकुम सर वोट किसका है वोट पीपी का वोट है अस्सलाम वालेकुम शनाख्ती कार्ड बन गया वोट किसका है पीपी का वोट है हाँ भाई और कोई रह तो नहीं गया कोई सबने बता दिया कोई रह तो नहीं गया तूने नहीं बताया बता दिया ना आपको किसको बस अभी क्या बताऊं मैं आपको वोट तो इमरान खान का सच्ची बात करो ना इसमें डरने की क्या बात है यार हाँ तो इसमें क्या डरना जो सच है वो बताओ सर वोट किसको हमारा वोट पीपल्स पार्टी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है खैरियत से हैं तभी ठीक है वोट किसको दे रहे हो वोट इलेक्शन अच्छा खुफिया तौर पर है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है खैरियत से हैं तभी ठीक है वोट किसको दे रहे हो और नहीं नहीं आपके हाथ में आपके हाथ में यार ऊपर वाले का हमारे हाथ में तो नार की पड़ी है जिसको लेगा उसको देंगे नहीं वोट तो देना चाहिए ना सस्ताई करेगा उसको देंगे वो कौन सस्ताई करेगा आपका क्या ख्याल है नवाज शरीफ आवे अच्छा तो कौन बेहतर है कौन बेहतर है अंदाजा तो अल्लाह का नाम है वो तो सबसे बेहतर है उसके अलावा इंसानों में इंसानों में कोई बंदा तो होगा ना अल्लाह का हमारे पास तो ये ना आता भी चीन दिया उन्होंने सारों ने अच्छा यानी कि मतलब कोई ठीक नहीं है वो कोई ठीक नहीं चले ठीक है आपका वोट बना हुआ वोट ही नहीं बना हुआ अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है खैरियत से हो वोट किसको दे रहे हो इमरान खान बाबा जी आपका अच्छा ठीक है किसको दे रहे हो
देखें जिसको भी अच्छा लगा तो देंगे इंशाल्लाह। कौन अच्छा है वैसे? आप छोड़ो, आप अपनी पसंद मत बताओ, ये बता दो अच्छा कौन है। बस जिसको अच्छा लगा उसको देंगे। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, वोट दो, वोट मत बताओ किसको देना है, वोट नहीं पूछ रहा, अच्छा कौन है वैसे, किसको देना चाहिए, राय पूछ रहा हूँ। मैंने भी तो देना है ना। अच्छा इमरान खान है ना, ठीक है, सही सर, ये भी एक तरीका है पूछने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको दे रहे हो यार वोट? हाँ वोट अपन देंगे एमक्यूएम को। एमक्यूएम को कौन खड़ा हुआ यहाँ से? यहाँ से तो बहुत सारे खड़ा हुए। नहीं सुभाई असेंबली का सीट टिकट किसको दिया एमक्यूएम ने? मैं बता देता हूँ, जफर कमाली, डॉक्टर जफर कमाली को मिला फिर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत है? वोट सर किसका है? जमीर का। जमीर का, ये जमीर वो अपने दर्जी भाई या कोई और है? ठीक है भाई। अच्छा है भाई। अच्छा कौन है? जमीर का। नहीं वो तो मुझे मालूम है जमीर, अच्छा कौन है वैसे, किसको जीतना चाहिए? मैं जमात इस्लामी, पाकिस्तान जमात इस्लामी। अपना कौन उम्मीदवार है यार? अभी तो मालूम नहीं। अच्छा अभी मालूम नहीं, बाकी सियासी पार्टियों से मैं। सही सही सही, जमात इस्लामी का, ठीक है। हाँ भाई वोट किसका है? पीटीआई। आपका? दस दे। गुड, तेरा तो वोट ही नहीं बना ना, वोट रह जाएगा। अम्मा भी वोट दे रही है। मैं वोट आई भाई। किसका वोट है? मैं इमरान को देंगे, मेरा इमरान देता है, इमरान देता है मैंने। अच्छा इमरान, अच्छा इमरान को दे रहे हो? हाँ इमरान को देंगे मैं। पक्की बात है? सही है। अदा अपना पांचो वोट सही। टीएलपी तहरीक लबैक पाकिस्तान, तहरीक लबैक खत्म है वो सही, अपना तहरीक लबैक, माशाल्लाह तीनों इकट्ठे ही तहरीक लबैक है। गुड जबरदस्त। कि राय जो दे रहे होते हैं वो पक्के कारकुन टाइप लोग होते हैं, वो राय दे रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो कारकुन नहीं है, ज्यादातर तो एक आम वोटर है। आम वोटर राय देते हुए डरता है कि कहीं मुखालफत का सामना ना करना पड़ जाए, हो सकता है उसने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की भी हो कि यार मैं तुम्हें वोट दूंगा, लेकिन वो देना ना चाहता हो और वीडियो पर वो चीज रिकॉर्ड हो जाए तो शर्मिंदगी होगी, तो इस वजह से भी लोग अपनी राय छुपाते हैं। कौन सा वोट है अपना? किसको दे रहे हो? इमरान खान। इमरान खान हाँ भाई, वोट किसका है? मुस्लिम लीग। कौन सी है? मुस्लिम लीग दो तीन है, एक मुस्लिम लीग नवाज है, एक मुस्लिम लीग मरकजी है, एक मुस्लिम लीग फंक्शनल है। कौन सी मुस्लिम लीग? नवाज शरीफ वाली। आपका वोट है भाई? वोट ही नहीं बनवाया? बनवाओ ना यार, कब बनवाओगे? अच्छा क्या हाल है भाई अंकल, खैरियत से हैं? केले वाले ठीक बिक रहे हैं? वोट वोट किसका है? वोट तो देना ही नहीं है। देना ही नहीं है क्यों? वजह चीज नहीं मिलती है, क्या? अच्छा बिल्कुल गुस्सा है। हाँ, कोई एक तो अच्छा होगा, किसी को तो दे दें वोट। नहीं नहीं किसी को भी नहीं देना, नहीं देना, कुछ नहीं मिलता है हरू को, वहाँ पे देके वो उसी को चाह रहे थे, क्या चीज मिलती है वो। ओए गालियां तो नहीं होगा, क्यों नहीं दूं? लोग बहुत गुस्से में, लोग बहुत गुस्से में, लोग बहुत बहुत गुस्सा भरा हुआ है लोगों में। आज मुझे सारा दिन यहीं गुजारना है और इस काम के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, सच में आपको मुख्तलिफ तरह के ताने भी मिलते हैं, कुछ लोग आपको इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि हमको इतनी बड़ी पर्सनालिटी तो है नहीं है कि जिसकी शक्ल देखकर ही लोग इकट्ठे हो जाएं कि यार भाई वो आया है, इमरान रियाज आया है, या शाहजेब खानजादा आया है, या जो भी नाम है। तो हमें तो सही कड़ा हाल, खुश आयो, मजे में आयो, वो इलेक्शन अचल पे आगे वोट शोट देना है ना, वोट रे लेरा तो को नहीं मुल्क में हाला देखो लगे पे सूरत मांग आया भी ऐसा तरह कटी जड़ा ने बकायण वोट केड़ा दियो पीपी के ना देनो बेके बेकी के में दियो पर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होने आ रही अरे उता उता करे ठायो हो जंदा। अच्छा जाओ, यानी कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम पीपी को वोट नहीं भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बना ही लेगी, तो फिर हमारा वोट तो जाया ही हो जाएगा। हाँ सही, क्या ख्याल है, किसका वोट है? वोट किसका है? पीपी का। नहीं पांजो पीपी के। आपका? एमक्यूएम का। एमक्यूएम का, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिंदगी के तकरीबन हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, फ्रूट बेचने वाले भी, होटल पे चाय बनाने वाले भी, भाई हाथ सेक रहे हैं। वोट किसका भाई? इमरान खान। इमरान खान का। अंकल अंकल आपका? बड़े भाई, बल्कि अंकल तो नहीं है, बड़े भाई हैं हमारे यहाँ। इमरान खान। इमरान खान, ठीक है। सब अपने होटल वाले मोस्टली पीटीआई के फॉलोअर है। अच्छा अस्सलाम।
सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपके, खैरियत से? सर मिजाज के बाद वोट किसका? वोट तो इमरान का यार। इमरान खान का, सही है। तहरीक इंसाफ, बल्ला नहीं रहा, भले ठीक है वोट देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। वीडियो हो सकता है हमारी 20-25-30 मिनट की हो जाए, लेकिन कोशिश होगी कि कम अज कम इस इलाके का एक मुकम्मल रिव्यू हो जाए। साईं वोट आए पांचों कैंजो आ वोट कैं के डेणो पीपल्स पार्टी के साईं वोट कैंजो आ पीपल्स पार्टी वोट पीपल्स पार्टी का। और ये बिल्कुल आजाद गैर जानिबदार राय है, जो आप राय देंगे वो राय जाएगी। पांचों तो वोट कौन ठहरा ना, हाँ वोट ठहरा कौन ठहरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से? सर इलेक्शन वोट किसका? वोट बस जो बोलेगा तो अच्छा। वैसे मैं इस सवाल को घुमा फिरा के पूछता हूँ, आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क और कौम की खैर कौन चाह रहा है ज्यादा? अच्छा कोई मसीहा भेजे जो कि अभी है नहीं, कोई मसीहा अभी नहीं है कोई, मतलब या तो हिदायत दे अल्लाह पाक। आपको आप समझ रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे में से बहुत सारे लोग मायूस हैं हालात से, ऐसा ही है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? उसकी वजह है वो आप में से बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? वोट किसी का नहीं। वोट डालते हैं वैसे? अब नहीं डाल रहे, ये मायूसी है थोड़ी सी हालात की वजह से। और साईं अस्सलाम वालेकुम, साईं पांजो वोट आए इलेक्शन में? वोट छाजो केंजो इलेक्शन में? हाँ जो हकदार होंगे चला उसको देंगे। सही है, हकदार कौन है वैसे? जो हमें अवाम को जो आगे बढ़ना चाहते हैं वही हकदार है। कोई एक बंदा तो मुझे भी बताए, मैंने भी वोट देना है। अच्छा कौन हकदार है? हम तो किताब को इंशाल्लाह वोट। जबरदस्त माशाल्लाह, मत ये किताब है मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान का, गुड गुड गुड, जबरदस्त। आपका भी वही है? हाँ मौलाना फजल रहमान। आपका वोट बना हुआ शनाथ का? वही। कुछ लोग गैर संजीदा भी होते हैं तो वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, बात करो। वोट किसका है? वोट तीर का वोट, ठीक है। वोट कहें जो आप उठे, खबर कौन है साहब, दुनिया में छा चलाया है। वोट किसका? इमरान खान। हाँ पांचो, अरे हाँ अपना वोट गुड, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिरयानी वगैरह कैसी चल रही है अपनी? तबीयत ठीक है, मिजाज बखैर है, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका है? वोट किसका देंगे, अपने मजदूरी करने वाले वोट किसका? अरे फिर भी मजदूरी करने वाला भी तो वोट देता है ना यार। हक और सच का साथ देना। अच्छा अच्छा, वैसे अभी इस वक्त हक और सच पे कौन है आपके ख्याल में? निगरान हुकूमत हक सच पे किसी को? हाँ इमरान खान। अच्छा अच्छा, जान वोट दोनों, आपका भी वही ख्याल है। जबरदस्त। आपका वोट है यहाँ मीरपुर खास में? क्वेटा में वोट है। तो ये चाय इनकी बहुत मशहूर होती है, ठीक है। आप दे रहे हैं वोट? वोट नहीं दे रहे। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वोट अपना मीरपुर में, क्वेटा में? क्वेटा में वोट है, ठीक है। अच्छा वहाँ किसको दे रहे हो, महमूद खान अंसारी को या किसको? अवामी नेशनल पार्टी, असवंद यार वली खान। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन वोट किसको देना है? किसको दे? इमरान खान को। आप भाई को दो, भाई को भाई बताए, भाई किसको दे रहा है? इमरान खान को। जबरदस्त, गुड। अस्सलाम वालेकुम, कहीं कड़ा हाल, खुश आयो? तो वोट के बारे में राय दिंदो? हां दिंदो, केर केर कें के देणो? वोट से असल तो सिंध जो है सा पीपल्स पार्टी और तबाह करे जदी। हां ते का को जे कदे जो पाजो जीटी वारन जो उन जो तो पाजो का को तरीके कार ही कोने आ जे कदे आए पाजो तरीके इंसाफ होने ते दबाव है। हां असा यो सोच रहे को आजाद उम्मीदवार के सुखर माडो तैयार करो जेते असा सब गट्टी वोट आजाद उम्मीदवार को नौ चेहरो आनी। ये बता तो केड़ो सुठो आ, थोड़ो बोलो ना, एकड़ो खराब होंदो, एकड़ो थोड़ो सुठो होंदो, केर भी कोन टुप सफा चार आना भी कोन सुठो रखो भाई, मतलब ना वोट वठी पाण के पो काजी वे रंदा ओरी पंज साल पो ईदा, ठीक है। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी, पांजी राय रेंज ला। वोट किसको दे रहे हो? वोट बेसिकली जो है हम उसी को देंगे जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसका जो है नारा बुलंद। तहरीक लबैक
नहीं हाँ। ये जरूरी नहीं है जो अच्छा। भी शरई कवानीन के मुताबिक इस पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकजी ये तमाम तर हमारे ही लोग हैं जो अच्छा। भी इस्लामी कानून के लिए जो है काम करेंगे तो आपकी नजर में वैसे कौन है ऐसा बंदा मीरपुर खास में मीरपुर खास से हम मरकजी मुस्लिम लीग को भी देख सकते हैं हम जमात इस्लामी को भी देख सकते हैं तमाम तर मजहबी रुझान रखने वाले को देंगे आप बेटा अच्छा आपकी कोई राय नहीं है आप राय वैसे रखा करो राय रखा करो खुल के रखा करो इसमें ये नहीं है कि आपके अंदर आपकी लाइन बाजे हो जाती है आप क्या सोच अब आप खुद कंफ्यूजन का शिकार होंगे ना आप किसी को कोई लाइन नहीं दे सकते अपनी लाइन क्लियर रखो फिर ही तुम एक ऐसी लाइन खड़ी करोगे जिसके पीछे लोग चलेंगे वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है ऐसी लाइन बनाओ ठीक है गुड मीरपुर खास का हम एक ही इलाका कवर कर पाए हैं और तकरीबन हमें एक घंटा करीबन हो गया है यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है खैरियत से तबीयत मिजाज ठीक है सर वोट किसका है इमरान खान का वोट है गुड ठीक है भाई अस्सलाम वालेकुम सर क्या मिजाज है खैरियत से तबीयत ठीक है आपकी सर क्या इरादा है वोट आपका सर देखेंगे सोचिएगा जरूर भाई वोट किसका है अस्सलाम वालेकुम सर वोट किसका है वोट पीटीआई का भाई पीटीआई का सर आपका पीटीआई सर आपका नवाज शरीफ गुड सबकी अपनी अपनी राय है तो सबसे राय पूछते हैं चले ठीक है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है आपके खैरियत से सर अस्सलाम वालेकुम सर वोट किसका है सर वोट करेगा उसी को देंगे कौन बेहतर करेगा चलने चलने में तो गाड़ी निकल जाएगी ट्रेन 8 फरवरी को इलेक्शन है क्या कह सकते हैं भाई आप बताएं सर अच्छा कोई भी पार्टी देख ले आप कौन थोड़ा अच्छा है कौन किस तो जो स्टडी कर रहा है जमात इस्लामी जो है जमात इस्लामी की तरफ रुझान ज्यादा है गुड वो यानी कि सही लग रहे हैं बैठो आप बैठिए हाँ सर वोट किसका है वोट जमात-ए-इस्लामी माशाल्लाह वोट किसको दे रहे हैं इमरान खान को सर आप किसको दे रहे हैं वोट हम हाँ इमरान खान गुड टू सी सही पांचो वोट आए हाँ। वोट कहो इमरान खान जो जबरदस्त तहरीक इंसाफ तो छा रही है यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वोट तो नहीं बना होगा इलेक्शन शनाख्ती कार्ड वैसे बना हुआ होता तो किसको देते चलो यार अगर शनाख्ती कार्ड बना हुआ होता तो किसको देते इमरान खान का ये भाई देखें बनावा नहीं है तेरा छोटे देखो यार इनके तो वोट नहीं बने लेकिन इन्होंने तय किया हुआ है और जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं वोट हैं वो अभी तक सोचते रहते हैं कि किसको वोट देना है हमें अस्सलाम वालेकुम सर कैसे मिजाज हैं खैरियत से हैं सर वोट किसका है सोचे नहीं इतना TLP तहरीक लब्बैक अंकल आप भी तहरीक लब्बैक बाकी सर आपका किसका है मुस्लिम लीग नून अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपके खैरियत से सर क्या इरादा है इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं तीन सालों से इकट्ठा हुआ बड़ा है थोड़ा अच्छा तो फिर ये है कि नवाज शरीफ को दे देंगे आप बेटा नवाज शरीफ को आप मुस्लिम लीग नून के वोटर यहाँ मुझे कम नजर आए लेकिन कुछ और ज्यादातर जो है पाकिस्तान किसके हैं वो बाद में बताएंगे सर वोट किसका है अस्सलाम वालेकुम वोट किसका है पीटीआई आपका तो बना नहीं है लेकिन फिर भी पीटीआई बना नहीं है बनता तो पीटीआई को देते ठीक हाँ। है ठीक है आप भी सही है अच्छा वोट किसको देना है अच्छा यार अस्सलाम वालेकुम चाचा क्या हाल है खैरियत से तबीयत ठीक है सर वोट किसको दे रहे हैं पीटीआई को अंकल आप किसको दे रहे हैं अल्लाह तो सबका ही मालिक है लेकिन फिर भी अच्छा कौन है थोड़ा अच्छा कौन है दो मतलब ये तहरीक इंसाफ ठीक है गुड है अस्सलाम वालेकुम सर क्या मिजाज है खैरियत से तबीयत ठीक है अस्सलाम वालेकुम दोस्त कोई इरादा है इलेक्शन में वोट आप वोट हम देंगे ये मेरे साथ है अच्छा वोट हम देंगे पहली प्रायोरिटी जो हमारी नून लीग होती है अच्छा ये नून लीग नहीं तो बीपी को देंगे अच्छा आप मजबूरी में बीपी को दे रहे हैं पहली बात है सेकंड सेकंड अच्छा वैसे यहाँ पे नून लीग है
लेकिन वो इतने मेजोरिटी नहीं है, वोट जाया करेंगे ना। अच्छा, तो अली नवाज शाह को, अली नवाज शाह को। गुड, ठीक है, थैंक यू। सलाम अलैकुम, क्या हाल है सर? खैरियत सब ठीक है? तो वोट वोट देना है इलेक्शन, वोट देना है इलेक्शन, वोट देना ही, वोट थुप नहीं देना तुम उस्ताद, थुप नहीं देना आपने, तौबा कर लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ये क्या, कौन सा पुर्जा लग रहा है पीछे? बैक लाइट बना। अच्छा, बैक लाइट है, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं जूता भी तो बांधते हैं ना रक्षों के पीछे, वो क्यों बांधते हैं? अच्छा, कोई वो है, अकीदत है, कोई मन्नत है, कुछ है? अच्छा, वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान, इमरान खान का वोट है, ठीक है। वोट आए पांचो वोट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? हाथ मिला लो यार, दो लेना बाद में। सर वोट वोट देते हो, कुछ नातिकार बना हुआ, बना हुआ नहीं है आपका मेजोरिटी में? सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? कैसे हैं? खैरियत सर? कोई इलेक्शन में कोई वोट शोट का कोई इरादा है देने का? किस पार्टी को इस वक्त देंगे हम? जमात इस्लामी को। माशाल्लाह, कौन कैंडिडेट है यहाँ से? यहाँ से हाजी नूरुल्लाह मुगल है। तो ऑलमोस्ट मैंने तीन रोड कवर कर लिए हैं, जरवारी शाख, मीरपुर खास, एक दाखिली रास्ते के नज़ीर हुसैन पार्क है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सब खैरियत से? तबीयत वगैरह ठीक है? उस्ताद आप कैसे हैं? खैरियत से? वोट किसका है? कोई 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 अच्छा थोड़ा सा बेहतर क्या रहा है आपका बेटा? पीटीआई सर आपका? सर आपका भी इंशाल्लाह पीटीआई का। जबरदस्त, आपका? पीपी आपका सर? देखेंगे सोचेंगे। आपका? पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया, किसको दे रहे हैं वोट? इमरान खान को। गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं? खैरियत से? आसिफ भाई वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई का सर आपका? इंशाल्लाह पीटीआई का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे मेहनत कश भाई, वोट किसका है? पता नहीं, पता किसको पता होगा आपको? नहीं, असल में खरीद ठीक है सर। वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं? वोट देंगे इमरान खान, इमरान खान को। उस्ताद आप किसको दे रहे हैं? टीएलपी तहरीक लब्बैक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका है? तहरीक लब्बैक या तहरीक इंसाफ? तहरीक लब्बैक। आपका? तहरीक लब्बैक। बेटा आप? तहरीक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम सर, केड़ा हाल है? खुश है सही? वोट के जो जी ए भुट्टो, फिर आफ्ताब शाह या हरिराम? बस बड़ी वोट उन्हें जाए, बड़ी वोट उन्हें जाए। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। तो अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल है? खैरियत से? सर वोट किसका? आप देते नहीं, आप तो देते हैं, आप तो देते हैं, आप तो देते हैं। पीटीआई का ठीक है, दो बातें काट देंगे, बस ये चला देंगे पीटीआई का। सही, आपका वोट पीटीआई का ठीक है। किस पे रहा वोट? हमारा तो वोट ही नहीं। अरे जब बन जाएगा तब किसको देगा? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका वोट 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 किसका? सही वोट पीटीआई का, पीटीआई का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? सर वोट किसका है? सर अपना वोट, अपना तो हो गया ना पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है? किसी का भी, किसी का भी नहीं, कोई बंदा इस काबिल नहीं, कोई छोटा मोटा। तो इतना मुशक्कत वाला सर्वे इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। इससे पहले भी हमने कुछ अवामी राय इकट्ठी तो की है, लेकिन सच में पसीने आ गए हैं, सर्दी में पसीने आ गए। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है? वोट सही हमारा है अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन तो है ही नहीं अभी, एमक्यूएम, एमक्यूएम, एमक्यूएम को वोट है। सर क्या हाल है? खैरियत से? सब तबीयत ठीक है? सर वोट किसका है? पीटीआई। आपका? पीटीआई। बल्ला, बल्ला तो नहीं है लेकिन ये कि वो निशान तो नहीं है लेकिन तहरीक पार्टी तो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक है? सर वोट किसका? उम्मीदवार मैं बताता हूँ, पीर आफ्ताब शाह है, हरिराम है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा अब्दुल हक है, साथ में आफ्ताब कुरैशी हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से असद जुने जो हैं, और अली नवाज शाह आजाद हैं। ये हैं बड़े उम्मीदवार, इन्हीं के ज्यादा, इन्हीं में से किसी के जीतने के चांस हैं। असद जुने जो बेस्ट लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, शख्सियत अच्छी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वोट किसी को नहीं, किसी को भी नहीं देना, कोई अच्छा नहीं है, थोड़ा सा
चलो हमें मशवरा दे दें यार, ये थोड़ा बेस्ट है, इसको दे दें। ये दुकानें जो बंद पड़ी हैं, इसके साथ ही हम जाएंगे तो यहाँ सैयद अली नवाज शाह, यहाँ से आज़ाद वो इलेक्शन में मुकाबला कर रहे हैं। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मैं बल्कि इनका गेट का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, लेकिन अब जो है पिछले 2018 के इलेक्शन से और अभी ये आज़ाद इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं यहाँ से। तो ये दिखाने का खसूसी मकसद कोई वो नहीं है कि मैं इन्हें को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं था, यहाँ इनका घर है, तो इस वजह से नज़दीक तरीन इनका घर ही है। वो थोड़ा मैंने बाहर से दिखा दिया, पूरे जरवारी शाह पर ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की कि सब लोगों से राय ली जाए, उसमें मुसाफिर भी थे, यहाँ के मुकामी भी थे, और मैं थक गया हूँ अब। ये ठेला है, इसमें क्या बताने वाली बात है, ये बिरयानी का ठेला है। तो जरवारी शाह पर सिर्फ एक ही दुकान पर बिरयानी मिलती है, बाकी सब दुकानों पर पुलाव मिलता है। तो ये मेरे एक दोस्त हैं कामरान उमरानी साहब, ये उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे किसी दिन। लेकिन फिलहाल आपको एक सरसरी इसका बता देते हैं कि जरवारी शाख पर अली नवाज शाह साहब का जो बंगला है, उससे कुछ पहले ये आपको, अगर आपने बिरयानी खानी है तो यहाँ आपको ये बिरयानी मिल जाएगी। और क्या सूरत हाल है इसकी, ये ज़रा दिखा दें मुझे बिरयानी की शक्ल सूरत कैसी है। ठीक है, ये रियल वाली बिरयानी ही है, जो कराची बिरयानी जिसको कहते हैं ना, ये वो बिरयानी है। तो ऑल व्यूअर्स, कराची बिरयानी पॉइंट जरवारी शाख से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कोशिश की हमने कि बेलाग जो अवामी राय है वो आप तक पहुँचाई जाए, और ये मीरपुर खास का पहला अवामी सर्वे होगा इलेक्शन के हवाले से, कोई जानिबदारी नहीं। अगर कहीं हो भी गई हो तो वो हमारे जज्बात के हाथों मजबूर होकर, अगर कहीं झलक नजर आई हो, मगर ना जो राय थी जैसी थी वैसी आप तक पहुंचाई है। कोशिश करेंगे कल चांदनी चौक और इसी तरह भानसिंगाबाद और शहर के मुख्तलिफ इलाके 2-4-6 दिन में पूरे मीरपुर खास की अवामी राय आप तक पहुंचाई जाए, और ये पहली बार होगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्त अहबाब जो दिलचस्पी रखते हैं उन तक जरूर पहुँचाइएगा। इस कराची बिरयानी का एक मुकम्मल ब्लॉग हमारे दोस्त जब कामरान उमरानी साहब यहाँ आ जाएंगे तो एक मुकम्मल वीडियो आपको, और फिर ये बिरयानी टेस्ट भी करें। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।